हिंदुस्तान की आन बान शान के भावी फौजियों को जय हिंद जय भारत। सभी देश के भावी फौजी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड को फतेह करने की जोश जनून जज्बे के साथ तैयारी कर रहे होंगे। हमारे साथ देश के कोने कोने से भैया आगे से कट हो जाती है तो हमारे घर में इन्वर्टर जो है वो सप्लाई देता है, वो आप बताना है कि वो करता क्या है। डीसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में या एसी को एसी में, बताइए फटाफट से इसका जवाब क्या होगा, फटाफट से उत्तर दीजिए। देख पा रहा हूं आपकी बार कुछ गलत उत्तर भी जा रहा है कहीं का, लेकिन गलत नहीं जाने देना है। सचिन डोर कलर का पेपर भी ज्यादा लेवल का नहीं, लेवल सेम चलता है, आप आराम से पढ़िए बिंदास होके। अतुल पंडित थैंक यू दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल, बजरंग बली, फौजी गुजर, रजत, मुकुल, सुरेश, समीन, बिल्कुल भाई मौज कर दी भाई। इन्वर्टर दोस्तों डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, याद रखना। देखो आप ऐसे याद रखो, एसी और एक होती है धारा डीसी, एसी को डीसी में कौन बदलता है, डीसी को एसी में, एसी को डीसी में बदलता है दोस्तों रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी, क्या बोलते हैं दिष्टकारी, और डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर, कौन बदलता है इन्वर्टर बदलता है। तो डीसी को एसी में बदलने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है कौन सा, इन्वर्टर, कौन सा होता है इन्वर्टर, बिल्कुल भाई सही जवाब जिन्होंने सी दिया है, लॉक किया है, बढ़िया उत्तर दिया है। जो पूरी रात जागते हैं जरूरी नहीं है वो सिर्फ आशिक ही हो, वो देश पर मर मिटने वाला जवान भी हो सकता है, बिल्कुल। कई लोगों का शक जाता है कि रातों जागते हैं या करते क्या है, अपने सोना बाबू से बात करते होंगे, बिल्कुल नहीं भाई, हो सकता है वो देश का जवान भी हो जो रातों जगकर हमारे पूरे हिंदुस्तान हमारे देशवासियों की सुरक्षा भी करते हैं, वो भी तो एक होते हैं जो रातों जागते हैं, बिल्कुल, बॉर्डर पर सीना तान के खड़े रहते हैं, दुश्मन के आगे पत्थर की तरह चट्टान बनकर खड़े होते हैं, बिल्कुल। आगे सवाल की बात करते हैं, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, आपको यह बताना है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, यह बताना है भाई, पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है। क्या बात है, क्या बात है भाई, धन्य है भाई दोस्त जो जुड़े हैं लगातार सुबह से हमारे साथ, ठीक है। संदीप चौधरी भाई बिल्कुल थैंक यू दोस्त, इंताज अली बिल्कुल आपका भी स्वागत, मयूर माधवी एनसीसी ए है दोस्त, एनसीसी ए की उम्मीद मत रखिए, एनसीसी ए का कोई फायदा नहीं है इतना ज्यादा आप जितना सोचोगे, मेरे पास एनसीसी सी है, दिखाऊंगा आपको कभी इसी लाइव सेशन में, वीडियो सर के हाथों से मेरा खुद का डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, एनसीसी सर्टिफिकेट सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक से मैंने वो हासिल किया है। एनसीसी जो कैडेट जो होता है उसकी सबसे हाईएस्ट रैंक होती है एसयूओ सीनियर अंडर ऑफिसर, सबसे ज्यादा यहां पर दो गोल्डन पीक थी मेरे, यहां पर बिल्कुल छाप लगी थी, मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल बकायदा इसी चैनल पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मेरा डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। एनसीसी मैंने 1500 लड़कों को बिना माइक के कमांड किया है, मुझे पता है दोस्तों जवान में कैसा दम होता है, आप खुद देख चुके हैं, मैं सुबह से शाम तक मेरे मुंह पर अभी भी थकान का एक नाम नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप जैसे लोग आप जैसे स्टूडेंट प्यारे दोस्त जो जुड़े हैं आप लोगों का सपोर्ट और भी मिल रहा है, बिल्कुल मजा भी आ रहा है और आपको सवाल पे सवाल ठोक के जा रहे हैं। आज दिखाओ, आज मेरे पास नहीं है भाई, सुनो भाई ठीक है, अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट लाइव नहीं है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल दिखाऊंगा, नो टेंशन रहिए, जो वादा करते हैं उस पर खड़ा उतरते हैं, विश्वास रखिए आर्मी स्टडी जो कहता है वही करता है, अगर मैंने कहा एनसीसी होल्डर हूं तो आपको छाती ठोकर सीना ठोकर कहता हूं, आपको सर्टिफिकेट बिल्कुल दिखाऊंगा, नो टेंशन रहिए, बिल्कुल जज्बात के साथ जुनून के साथ। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र जिन बंदों ने एक्स वाई बताया बिल्कुल सही है, अगर महिला में पूछता लिंग गुणसूत्र तो एक्स होता, ये वाले कोई भी लिंग गुणसूत्र ऐसे नहीं होते, तो महिला में लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र का मतलब है जो लड़का और लड़की का निर्धारण करते हैं, लेकिन दोस्तों संतति उत्पन्न लड़का होगा या लड़की इसका डिसीजन पुरुष के पास, क्योंकि पुरुष के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है वही चेंज कर देता है पूरा का पूरा लिंग, महिला से पुरुष बना देता है। चलिए अगला सवाल, 295 केल्विन तापमान किसके बराबर होता है, अब मैंने आपको इसका फॉर्मूला पूरा बताया था, एक बार फिर याद दिला दूं, सी बट्टा 5 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा 9 बराबर के माइनस 273 बट्टे 5 बराबर आर बट्टे 4, ये पूरा एक रिलेशन है इन चारों पैमानों में। अब आपको केल्विन दिया फारेनहाइट में पूछ रहा है, तो चलिए केल्विन दिया तो केल्विन का उठाते हैं, के माइनस 273 बट्टे 5 बराबर फारेनहाइट में आपको ऑप्शन है, तो एफ का क्या कहता है वो लिख लीजिए, एफ माइनस 32 बट्टे 9, एफ माइनस 32 बट्टे 9 के माइनस 273 बट्टे 5, केल्विन का मान रख दीजिए 295 माइनस 273 बट्टे में 5 और ये एजिटिज रह जाएगा एफ माइनस 32 बट्टे 9, अब देखो इसको घटा लीजिए, 5 में से 3 गया 2 बच गया, 9 में से 7 2 बच गया 22 हो गया, बट्टे में क्या आ जाएगा 5 बराबर एफ माइनस 32 बट्टे 9, वज्र गुणा करना आता है त्रिगुणा कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 5 एफ माइनस 160 बराबर 9 दुनी 18, 9 दुनी 18 एक 19, 5 एफ बराबर 198, 160 उधर जाएगा तो प्लस 160 होगा, 5 एफ बराबर इसको जोड़ लेते हैं 8 9 6 15 असल का देख 1 2 3 358, एफ बराबर होगा 358 बट्टे में 5, भाग लगाते देखो 7 5 35 ठीक है, 8 उतारा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 3 बच गया, तो यहां पर देखो 7 5 35 7 5 एकम 5 3 बच गया, पॉइंट लगाया 0 56 30 71 पॉइंट लगभग 6 के समथिंग आ रहा है, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है फारेनहाइट में वही आ रही है 71.6, तो लगभग हम इनमें ऑप्शन आप देखोगे तो लगभग इसके बराबर जा रहा है, तो हम बी को सही करेंगे भाई, एग्जिट मान तो नहीं आ रहा है लेकिन लमसम इसके बराबर आ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है, कौन सी गैस है जिसको गुब्बारों में भरी जाती है, दोस्तों ये क्वेश्चन सुबह की पहली शिफ्ट में भी आया था और एक बार फिर से रिपीट होकर आ रहा है क्वेश्चन, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, फटाफट अंदाज में बताइएगा गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन या हीलियम, फटाफट से उत्तर दीजिए। डी 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 क्या बात है, क्या बात है भाई दोस्त, दुर्गेश आर्मी लवर बिल्कुल, लोकेश यादव, सुकेंद्र कुमार, धर्मेंद्र सिसोदिया, अजीत आजाद ग्रुप बिल्कुल, सचिन वाह, आदर्श सोनू बिल्कुल भाई पंजाब वाले बिल्कुल, स्टेटस डी विलियम्स, हर्षित सोनू अपकमिंग फौजी, क्या बात है कुमार, सभी दोस्तों ने
संदीप वर्मा क्या बता दी, किस दिन सर दिन बता दीजिए, किस दिन कौन से दिन बताएं भाई, क्या बताएं बताओ। ठीक है बिल्कुल 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 सभी दोस्तों का लगभग सही जवाब। गुब्बारे में हीलियम भरते हैं दोस्तों, हीलियम हाइड्रोजन के जस्ट बाद हल्की भी है और अज्वलनशील गैस है, अज्वलनशील गैस है, ये जलती नहीं है, जल्दी विस्फोट नहीं कर सकती, जल्दी गर्म नहीं होती है ये वाली गैस, ध्यान रखना है। चले आगे, बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने हीलियम दिया ऑर्गन दोस्तों, ये बल्ब में भर सकते हैं, ट्यूबलाइट में भी भरी जा सकती है, बल्ब में ट्यूबलाइट में इन सब में भरी जाती है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ये वापस देखो पीछे क्यों सुनाया था, उसको लंबा चौड़ा बाउंड बनाया, अब इसको शॉर्ट में कर दिया। ग्रीन हाउस गैस पौधा घर, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका उत्तर सबको आता है लेकिन इसके नाम नहीं पता क्यों को। ग्रीन हाउस प्रभाव कह दो या इसको हरित ग्रह प्रभाव कह दो या फिर दोस्तों इसको आप पौधा घर कह दो, पौधा घर, इसको याद करना सबसे बड़ी बात होगी, इसको याद करना सबसे इंपॉर्टेंट बात। जो बंदे नए जुड़े हैं लाइक जरूर करें भाई, लाइक 5000 के जस्ट नजदीक है, अभी पहुंचे नहीं है, तो जिन बंदों ने लाइक नहीं किया एक बार दबा के सेशन को लाइक कर दे और शेयर कर दे। बिल्कुल ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ये आपको पीछे क्यों सुनाया ये पता तो चल गया था, लेकिन दोस्तों ये जरूर याद है, कई बार आता है पौधा घर गैस कौन सी, आप सोचोगे यार सर ये पौधा घर गैस कौन सी है, तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव, पौधा घर, ये सभी की सभी एक ही होती है। ठीक है बिल्कुल भाई, दिशा ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल स्वागत है आपका भी, प्रणाम भाई गुरुजी आपका, राकेश बिल्कुल भाई, राकेश जी आपका तो नमन है सभी दोस्तों को, जो बिल्कुल डटकर सुबह से शाम तक का बिल्कुल जज्बे के साथ हिला के भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है, क्या हिला के भरते हैं भाई हुँ? बिल्कुल भाई आदर्श, सुनो विश्वास रखिए हम सभी के साथ बिल्कुल हितेशी बनकर आए हैं। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, ये सुबह की शिफ्ट में आया था शुतुरमुर्ग, इसका हमने उत्तर किया था, मैंने आपको बताया भी था 1.4 kg के लमसम इसका वजन होता है, सबसे बड़ी कोशिका में इसका नाम आता है शुतुरमुर्ग का अंडा, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका में नाम आता है शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी बताइए, स्टेपिस, जांग की और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप लोग देखते ही इसका उत्तर ठोक दोगे भाई। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, किस जगह पाई जाती है, दोनों पता होना चाहिए, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। वाह भाई गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया, मुकाम को छेड़ दिया है, अब क्या डरना है दोस्तों, जब जज्बातों का सामने बड़े हिम्मत के साथ हम कर रहे हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम पूछ रहा है आपको और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, फटाफट से उत्तर आ रहा है, चेक कर पा रहा हूं, कई बंदे दबा के उत्तर दे रहे हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, ये दोस्तों मध्य कर्ण में पाई जाती है, कहां पाई जाती है, मध्य कर्ण में पाई जाती है भाई, कान में 3-3 हड्डियां हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। मेलियस जो हड्डी है उसका याद रखना हैमर अस्थि बोलते हैं, हथौड़े जैसी हड्डी होती है हैमर, वो भी कान में ही पाई जाती है अपने। नेक्स्ट बात करें जांघ की हड्डी, आप सबको पता है जांघ की हड्डी फीमर होती है, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है ना, डॉल्फिन एक मछली होती है, रखना डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन नहीं, डॉल्फिन है ना। अगला देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के कितने लक्षणों का आधार बनाकर प्रयोग किए थे, 7, 5, 8, 9, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और सुबह शायद जो बंदा सुबह से जुड़ा उसको पता भी है, मैंने एक बार बताया भी था मेंडल का क्वेश्चन आया था, तो मैंने कहा था मेंडल ने कितनी जोड़ी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए थे। अंकित यादव किंग सर, मेरा 13 नंबर को ग्राउंड का 69 है, कोई बात नहीं दोस्त, जुड़िए रिटर्न में खींच कर लीजिए नंबर, कोई रोकने वाला नहीं आपको, 7, कितने 7 है रखना। अगला, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, सबसे पहले जीन शब्द किसने दिया था ये आपको बताना है, सबसे पहले जीन शब्द दिया था बिल्कुल, जो बंदे जॉनसन का नाम दे रहे हैं बिल्कुल दबा के उत्तर दे सकते हैं, जॉनसन ने जीन शब्द दिया था, और दोस्तों जीन जो है वो आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है, आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है, आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन है, जो लक्षणों को नियंत्रित करती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं उन लक्षणों को नियंत्रित कौन करती है, जीन करती है, जानना सबसे छोटी इकाई आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन को कहा जाता है। दबाकर एक बार सेशन को लाइक ठोक दे और शेयर कर दे दोस्तों, दबाकर। चलिए नेक्स्ट, अगली बात करते हैं विटामिन ए में क्या पाया जाता है, मतलब विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, गाजर आलू बैंगन टमाटर, दोस्तों गाजर आलू बैंगन टमाटर बता दीजिए, सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है और विटामिन ए पाया जाता है, सब दोस्तों को पता है गाजर, गाजर का लाल रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है और इसी कैरोटीन के कारण दूध का हल्का पीला रंग भी होता है। दोस्तों एक के साथ 4 फोकट में क्वेश्चन दिया मैंने, अगर अब मैंने कहा ना जो हटके करता है वही सिलेक्शन लेता है, जो मेरे इंट्यूशन को कैच करता है वही फतह करता है, तो दोस्तों बिल्कुल अगली स्लाइड हमारे टेक्निकल टीम के बादशाह गोदारा जी जिनसे मैं निवेदन करूंगा कि अगली स्लाइड लगाएं ताकि बच्चों को और भी रूबरू करें, और बीजू सर आइए, सर ऐसा फील हो रहा है कि हाँ बिल्कुल अब पेपर को एकदम फोड़ के आएंगे, और हम बार बार आप सभी को कहते हैं कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, और आज आप पूरे दिन से तपे हो और ये ताकत एग्जाम के अंदर दिखाई देगी, एकदम पेपर का सूखा साफ कर दोगे, और जो नहीं पढ़े हैं वो ऐसे आराम से ऊपर की पट्टियां गिनते रहेंगे कि कितने बाई कितने का ये रूम है, कितना टाइम इसे बनाने में लगा है, और जो हमारे साथ जुड़ा है ये मैराथन क्लास है और एप्लीकेशन में पढ़े हैं वो नौजवान बिल्कुल एग्जाम को टॉप करके आएंगे। बिल्कुल नौजवानों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जेब में गांधी हो या ना, लेकिन दिल में गांधी होनी चाहिए, रणजीत सिंह बिल्कुल यही जनून यही जज्बा रहना चाहिए, सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दो, क्योंकि आपको हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं है कि हाँ गुरुदेव आप छोड़ दो, नहीं अभी आपका वापस एक जीके का टेस्ट लेंगे, क्योंकि सुबह से आप साइंस पढ़ रहे हो तो थोड़ा और आपका कॉन्फिडेंस मजबूत करते हैं और जीके के आपको क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करवाएंगे, तो फटाफट एक बार इस तरीके से फटाफट एक बार सेशन को दबा के शेयर करो, दबा के जितने भी जो देश के भावी फौजी है दबा के सेशन को शेयर करो भाई, ग्रुपों के अंदर फैला दो, यहां आपकी बार फौजी बनना है। सेशन स्टार्ट हुआ था और अब तक हम 350+ क्वेश्चन कवर कर चुके थे और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लाने का हमारा एक उद्देश्य ये था कि जो भाई बंधु बिल्कुल भी पिछड़े हुए हैं, जिनको डर लगता है कि यार फिजिकल हम बिल्कुल धुआंधार तरीके से कर लिया है, मेडिकल हम फिट हो चुके हैं, तो सभी दोस्तों को ये डर सता रहा था कि दोस्तों हम ये सभी
हमारा नाम तो रोशन हो ही रहा है, अपने माता पिता का नाम भी आप बड़े शिद्दत से ऊपर कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा लगा। जो बंदा सुबह से अब तक लाइव चल रहा है, एक बार दबा के अपना हैंड ऊपर करके, मतलब जो कमेंट बॉक्स में हाथ ऊपर करके एक बार उपस्थिति बताएं कि कौन सा बंदा है जो सुबह से अब तक लाइव चल रहा था नॉन स्टॉप, बिना किसी झिझक झक के, बिना किसी हिचकिचाक के साथ सुबह से शाम तक मेरे साथ चलता रहा। बीच में बिल्कुल धन्यवाद दूंगा मैं टेक्निकल टीम के हमारे बेस्ट गोदारा जी सर को और डायरेक्टर बीजू सर को भी मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी दिया था, क्योंकि दोस्तों रेस्ट लेना जरूर है, हम इंसान है भाई, हम कोई मशीन तो है नहीं कि हमारे अंदर तेल डालते रहो और चलाते रहो, दोस्तों मशीन भी भूख जाती है अगर उसको ज्यादा चला देते हैं। तो बिल्कुल सभी दोस्तों का धन्यवाद, एक बार हाथ उठाकर उपस्थिति दर्ज कराएं जो सुबह से शाम तक टिका हुआ है, दिल से धन्यवाद। ऊपर वाले की दुआ उसकी खाली नहीं जाएगी, देख पा रहा हूं जो बंदे बिल्कुल उपस्थिति दे रहे हैं, मानता हूं सुबह से अब तक डटे हुए हैं, दोस्तों आपको एग्जाम तक करने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, ईमानदारी से बताना है क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, ईमानदारी से बताना सुबह से अब तक कौन जुड़ा हुआ था हाथ ऊपर करके, क्योंकि दोस्तों ईमानदारी से बताओगे बिल्कुल आपको ऊपर वाला वैसा रिजल्ट सक्सेस करके दिखाएगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद डीएस सर का भी, जो मतलब इतने जज्बे के साथ आर्मी स्टडी की, वैसे टीम पूरी मोटिवेट है, दमदार है, आपने सभी ने देखा होगा, यहाँ पर वही सिलेक्टेड टीचर वही योद्धा आपको पढ़ाते हैं जिनकी रगों में जीतने का नशा होता है, और बिल्कुल आपको भी इसका भी बनाएंगे, आपकी रगों में भी जीतने का नशा दौड़ेगा, हार तो हमें कतई पछताते नहीं, बर्दाश्त नहीं, तो हो जाए तैयार, एक बार सेशन को दबा के शेयर करो, गोदारा जी को लगा रहे हैं, अब तक दबा के शेयर करो फटाफट, जो सर एक मोटिवेशन लाइन हो जाए, बिल्कुल हो जाएगी, आप शेयर करो दबा के, अपने अंदर इतना जुनून चला लो कि कतरे कतरे में आग लग जाए, लिखा ना हो जो किस्मत में मेहनत से वो भी मिलने को मजबूर हो जाए, मेहनत से वो भी मिलने को मजबूर हो जाए, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे पता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल गोदा जी आप देख सकते हैं जोश जनून के साथ कुछ लगा रहे हैं कि हाँ अभी इनको छोड़ना नहीं है, अभी तो तोली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है, बिल्कुल आप चाय पानी नाश्ता या पानी पैसा जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, एक मिनट का समय है क्योंकि इतना ही आपको फौज के अंदर मिलेगा ना, और बिल्कुल देखिए घर बैठे आपको हम ऑफलाइन जैसा या आप देख सकते हैं एकदम फौज वाला माहौल हम क्रिएट करके रखते हैं, ऐसे जिंदा लाश की तरह नहीं बढ़ा देगी आगे बढ़ा के चले गए, नहीं पेन रखना हमारा काम नहीं, आपकी रगों के अंदर जनून भी हम भरते हैं, हमारी टीम है वो लगातार जज्बे के साथ आपको बढ़ाती है, सेशन को दबा के शेयर करो फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल रजनी सिंह चाणौत है और धर्मेंद्र सिसोदिया सुधाकर भाई आर्मी लवर हमारे साथ जुड़े हैं, सभी आर्मी लवर है, विष्णु भाई जुड़े हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं एकदम तूफानी अंदाज में क्वेश्चन है वो सेलेक्ट हो रहे हैं, अरे सर थोड़ा रेस्ट दे दो, नहीं मेरे भाई रेस्ट नहीं देना है, जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद रेस्ट ही रेस्ट है, उसके बाद कोई आपको नहीं कहेगा कि आप पढ़ाई करो, ना मम्मी कहेगी ना पापा कहेगा ना कोई और कहेगा ना कोई पड़ोसी ताना देगा, बस बार बार आपको कहते हैं पूरी जीत जान लगा दो बस इसी भर्ती के अंदर, जिस प्रकार आप फिजिकल के अंदर लगाते हैं, जिस प्रकार आप फिजिकल में लगाते हैं आपका अगर 15 दिन बचता है या एक महीना बचता है तो आप जीत जान लगा के मेहनत करते हो, शूट लगाते हो 400 मीटर का लगाते हो 200 मीटर का लगाते हो ताकि आपकी स्टेप अच्छी हो, लास्ट में आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, वही जी जान सुनून जज्बा आप यहां पर लगा दीजिए कि हां अब ये आखिरी पड़ाव है, ये आखिरी स्टेज है, अब वर्दी ज्यादा दिन दूर नहीं है, जिसका इंतजार आप सभी ने बचपन से किया है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बार सर हम लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए और आपको हम दिला के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बस आपको जनून जज्बे के साथ पढ़ाई करना है, बिल्कुल एक बार दबा के सेशन को शेयर करो, और गोदारा जी ने क्वेश्चन ठोक दिया यहाँ पर, तो चलो आगाज करते हैं, और गोदारा जी की भी बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है जो दिन और रात आपके लिए मेहनत करवाते हैं, हमारे टेक्निकल टीम के हेड है अनुभवी सोल्जर है, ध्यान रखना, चलो भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं है गोदारा जी, जितना आप कहोगे क्लास उतने टाइम तक चलेगी बच्चों के लिए, चलो तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना और मां बाप को देखिए सपने है वो बड़े ही देखते हैं कि मेरा बेटा सफल हो जाए, नौकरी लग जाए सरकारी, ताकि छोकरी भी सरकारी आने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, टाइम भी हम आपके लिए डिसाइड है वो करने वाले हैं, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर, अरे आने दो मेरे देश के भावी फौजियों, लैंड ऑफ एक सेकंड, आने दो मेरे देश के भावी फौजियों, अभी पता चलेगा कितनी आपकी तैयारी चल रही है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है ये भी फौज के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे देश के लड़ लो, आने दो फटाफट, ये लो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, और दबा के शेयर करो फटाफट, 3000 भावी योद्धा आने चाहिए जो दिन भर में मकर क्रियाल फालतू की कर रहे थे, बड़े बड़े जो सपने देख रहे थे, नहीं मेरे भाई अपने सपनों को साकार करने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना होता है, और बिल्कुल शाबाश, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है भूटान, ऑप्शन इसका जो नौजवान ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर, प्रशांत, आर्कटिक, ग्रीनलैंड, फटाफट सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, और एक बार दबा के शेयर करो जितने भी जो भावी योद्धा है, कल भी आपका ध्यान रखना पूरे 50 प्रश्नों का भयंकर टेस्ट लिया जाएगा 7:50 पे, क्लियर है, और जो नौजवान मिशन वर्दी वाले हैं उनकी कल से क्लास स्टार्ट होगी, पहली क्लास नर्सिंग के 7 बजे होगी, बाकी ऑल्ट्रेड की क्लास 12 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है, मॉरिशस दिवस किस द्वीप किस महासागर में है, और बिल्कुल आपने राइट बताया है हिंद महासागर, ऑप्शन इसका ये जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं शाबाश, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, आर्कटिक सबसे छोटा महासागर है, ग्रीनलैंड है ये सबसे बड़ा द्वीप है, जे भी खोज के पेपर में बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, सबसे छोटा विश्व रोक है, ये आपको ध्यान रखना है, और बिल्कुल 5000 लाइक हो चुकी है लेकिन 6000 से पहले हम रुकने वाले नहीं है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, केप काहिरा रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इनमें से कोई नहीं, ये लो आपका टाइम स्टार्ट, फटाफट आने दो इसका राइट आंसर, और बिल्कुल नौजवान दमखम के साथ आ रहे हैं, शेयर करते रहो दबा के, जितने भी जो भावी योद्धा है दबा के सेशन को शेयर करो, बिल्कुल बिल्कुल दानापुर टेक्निकल वाले ने क्वेश्चन का राइट आंसर ठोक दिया है, टाइम भी आपका क्लोज हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट आने दो राइट आंसर, चाहे बहुत गर्म भाई, ये लो पहले आपको पिलाते हैं, गर्मा गर्मा पियो भाई, चलो चलो बिल्कुल शाबाश, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ऑप्शन इसका जो नौजवान सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर है ये क्या होने वाला है, सभी नौजवान बताएंगे फटाफट, और तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है 7 अप्रैल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये भी आप सभी योद्धाओं को ध्यान रखना है, क्लियर है, हाजी गुरुदेव बिल्कुल एकदम क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कहता है संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, ये लो भाई आपका टाइमिंग स्टार्ट, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 14, इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट, दबा के सेशन को एक बार शेयर करो, टाइम आपका क्लोज हो चुका है,
इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन का प्रावधान है, यह है ऑप्शन इसका बिल्कुल 368। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश। अनुच्छेद 44 में है एक सम्मान सिविल शहीद था, और अनुच्छेद 14 में क्या है आप सभी नौजवान बताएंगे, आर्टिकल 14 में किसका उल्लेख है, क्या किसी नौजवान को पता है या नहीं? अरे पता है या नहीं आर्टिकल 14 में किसका उल्लेख है, बताएंगे सभी नौजवान, देखते हैं किसकी तैयारी कितनी है। और सेशन को एक बार दबा के शेयर करो भाई, 2000 नौजवान आना चाहिए, कहां गए ससुरे पता नहीं। अरे गुरुदेव नेट रिचार्ज हो गया हमारा, नेट खत्म हो गया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण मेरे भाई। अरे भाई किसी ने नहीं बताया, बिल्कुल बिल्कुल एक ने सही बताया है, समानता का अधिकार, क्या बात है भाई, गजब की तैयारी है। चलो याद तो है आपको, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या सदस्य संख्या कितनी है, फटाफट आने दो, 15 सेकंड का समय है आपके पास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने दो, बिल्कुल 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 शाबाश, एकदम पसंद की धजे उड़ा के मैं रख दो मेरे भाई। बिल्कुल 250 जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। अगर आपको लोकसभा में अधिकतम पूछे तो आपको 552 करके आना है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या अगर आपसे पूछे आपको 552 करके आना है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शिव कुमार शर्मा की सुवादन के लिए प्रसिद्ध है सरोद बांसुरी संतूर, इनमें से कोई नहीं, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए सभी नौजवान आने दो। बिल्कुल बताइए किस ऑप्शन को लॉक किया जाए, फटाफट शिव कुमार शर्मा का संबंध है बिल्कुल ऑप्शन सी, जो भावी योद्धा बता रहे हैं संतूर से वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। अजमत अली खां का संबंध है ये सरोद से है, अजमत अली खां का ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है जी। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, बांसुरी से है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, हरिप्रसाद चौरसिया ये भी आपके भोज के पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हरियक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था, बिंबिसार बिंदुसार आजाद शत्रु इनमें से कोई नहीं। चलो आपका टाइम स्टार्ट है या फिर ये क्वेश्चन हम आपको डब्ल्यू के लिए देंगे, ध्यान रखना भोज के पेपर में एक क्वेश्चन तो 100% हिस्ट्री का मिलता है, कभी कभार दो क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार आपने देखा होगा 16 अक्टूबर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्राचीन मगध की राजधानी पूछा था, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन तैयार रखना हिस्ट्री का आएगा, क्लियर है, हम करवा देंगे तैयार आपको। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना आप देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना आपको बताना है। चलो आपका टाइमिंग स्टार्ट, जो इस टाइम में इसका जवाब दे रहा है बिल्कुल उसकी तैयारी गजब की है, आने तो मेरे देश के लाडलो फटाफट इसका राइट आंसर। और सेशन को दबा के लाइक ठोको या लाइक नहीं करते हो, इतनी मेहनत आप सभी के लिए करते हैं, दबा के सेशन को लाइक ठोको। बिल्कुल कुलदीप फौजी भाई ने बिल्कुल राइट बताया है, भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है ऑप्शन इसका बिल्कुल, देखिए कुछ नौजवान ऑप्शन डी बता रहे जो कि सरासर गलत है, ऐसे काम नहीं बनेगा। SBI की स्थापना आपको RBI की नहीं पूछा है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। आप जो 1935 बता रहे हैं ना ये RBI की स्थापना है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है RBI, क्लियर है। ऐसे आप गलतियां करोगे तो काम नहीं चलेगा। 1954 में ध्यान रखना भारत रत्न की शुरुआत हुई, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, फटाफट आने दो, बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर। और बिल्कुल 2000 का आंकड़ा हम पहुंचने वाले हैं, एक बार दम लगा के शेयर कर दो और लाइक ठोक दो, बिल्कुल शाबाश। इसका जो राइट आंसर होगा बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, जहां पर बहुत सारे नौजवान कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल अभी तक एक नौजवान का राइट आंसर आया है 1875 होगा, 85 नहीं होगा, ध्यान रखना 1875 जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, से भी आपको ध्यान रखना है, एक ओ हम ने की थी, क्लियर है जी गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य पृथ्वी बृहस्पति शनि, सौरमंडल का क्वेश्चन एक क्वेश्चन दो नंबर का 100% एग्जाम के अंदर मिलता है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश शाबाश, सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को, ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो नौजवान बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन लोहे खनिज का अयस्क नहीं है, देखो पूरा पढ़ना, कौन लोहे खनिज का अयस्क नहीं है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिग्नाइट लिमोनाइट, बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बता दो। चलो आपका टाइमिंग स्टार्ट, इसके अंदर बहुत सारे नौजवानों की नैया है वो डूबने वाली है, डगमगाने वाली है, आने दो फटाफट। धर्मेंद्र सिसोदिया ने छाती ठोक के कहा कि सर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, ये होता है कॉन्फिडेंस, देखो बॉडी सोडी भी दिखा रहा है, धर्मेंद्र सिसोदिया ये होना चाहिए मेरे भाई।
लिग्नाइट है ना, ये कोयला है, पूरा कोयला है, ध्यान रखना लिग्नाइट क्लियर है। और बाकी यश का है लोहे खनिज के, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, क्वेश्चन आसान है लेकिन नया डुबा के चला जाएगा। कान्हा है नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। बताइए कान्हा है नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सभी नौजवान इसका राइट आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कान्हा नेशनल पार्क है, आप सभी ने राइट बता दिया है। मध्य प्रदेश ऑप्शन इसका भी राइट होगा, मध्य प्रदेश जिसे सोया प्रदेश टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। बताइए बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? फटाफट बताएंगे सभी नौजवान। और दबा के सेशन को लाइक एंड शेयर ठोको भाई, दबा के जितने भी जो देश के भावी फौजी है दबा के शेयर करो, दबा के लाइक ठोको। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरठ से। 1857 का विद्रोह ध्यान रखना, आपको बताना है दिल्ली से नेतृत्व किसने किया। झांसी से तो आप सभी को पता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो थी झांसी वाली रानी, रानी लक्ष्मीबाई ने। कानपुर से नाना साहेब और दादा टोपे ने। लेकिन दिल्ली से नेतृत्व किसने किया ये आपको बताना है, तब पता चलेगा आपकी तैयारी का। क्लियर है? आने दो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत। बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी नौजवानों को बताना है। फटाफट आने दो फटाफट, बिल्कुल आपका टाइम है, ये क्लोज हो चुका है। और शाबाश, इसका जो राइट आंसर होने वाला है इसको हटा देते हैं क्योंकि डीएसआर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑप्शन इसका जो ए बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की आप सभी को पता है सीएम है ममता बनर्जी। राजस्थान के सीएम है आप सभी को पता है अशोक गहलोत, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कंप्लीट आपको टेस्ट लगाना है। आगे और मेरे दोस्त की लंबी क्लास अभी चलने वाली है, तो पूरा आपको ईमानदारी से सेशन है वो देखना है। शेयर करते रहो दबा के, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्लियर है? और लास्ट में हम टाइम टेबल बता देंगे जो मिशन वर्दी का बैच है, ठीक है, इसी क्लास में। तब तक जनून जज्बे के साथ लगे रहो। जय हिंद। चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत। और बिल्कुल 2000 प्लस से भावी फौजी जुड़ चुके हैं, सभी का तहे दिल से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों अब हम लास्ट पड़ाव में टू एंड टाई रेड में चल रहे हैं, करो या मरो वाली स्थिति में अब चल रहे हैं। फटाफट अंदाज में हमें सोल्यूशन कम उत्तर बताते हुए काफी सारे क्वेश्चन को टच करवाता हूं, लास्ट पड़ाव में हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए दोस्तों फटाफट अंदाज में एक बार शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रखा है, किस रोग के निवारण के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं? दोस्तों बैसिलस फॉलमेट्यूरिन, ये टीका क्षय रोग में लगाया जाता है। क्षय रोग किसको बोलते हैं दोस्तों? क्षय रोग को हम तपेदिक बोल सकते हैं, क्षय रोग को हम टीबी बोल सकते हैं, ये सारा जानना है। क्षय रोग तपेदिक टीबी के निवारण में बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जन्म के सात दिन ही अंदर लग जाता है, 28 घंटे के भीतर लग जाता है। चलिए फटाफट दवा के आप उत्तर देते रहे क्योंकि टू एंड टाइम में चल रहे हैं, हम सुबह से हम चल रहे थे आराम से, अब टू एंड टाइम, करो या मरो लास्ट में, या तो इस पार या उस पार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? दोस्तों ध्वनि तरंगे चुंबकीय, यांत्रिक, विद्युतीय या अक्षय? फटाफट उत्तर दीजिए, 5-7 सेकंड आपको बिल्कुल समय दिया जाएगा जिसमें आप अपना उत्तर बिल्कुल बता सकते हैं। दवा के सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? दोस्तों ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। किस प्रकार की तरंगे? यांत्रिक तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसका मात्रक क्या होता है? दोस्तों आपको सीधा सा है, ध्वनि आपको गुमराह करने के लिए दिया जा रहा है, आप तो सीधा आवृत्ति पकड़ो। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। बिल्कुल आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। डेसिबल होता है तीव्रता, और तीव्रता का मतलब ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। एंगस्ट्रम दोस्तों तरंग देरी, वेवलेंथ, वेवलेंथ या तरंग देरी का मात्रक होता है, जिसको हम दोस्तों लैम्डा से लिखते हैं। किससे? लैम्डा से। तरंग देरी या एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम इसका मात्रक। हर्ट्ज किसका मात्रक हो गया? आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हो जाता है। चलिए फटाफट अंदाज में टू एंड टाइम लगे रहिए, दबा दबा उत्तर देते रहिए। अगला क्वेश्चन, वे तरंगे जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है उनकी आवृत्ति कितनी है? वो आपको हर्ट्ज में बतानी है, मतलब मनुष्य आराम से सुन सकता है उन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये आपको बताना है, वो भी हर्ट्ज में बताना है। तो दोस्तों देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, ये रखना। 0 से 20 हर्ट्ज वाली अवसर्वे होती है, अवसर्वे अनऑडियबल, ठीक है, ये चीज रखना है। यहाँ पर दिया नहीं हर्ट्ज, तो ये ऑप्शन कह सकते हैं, हर्ट्ज उसमें दे दिया तो ये भी सही हो सकता है उसका। लेकिन हमें जो क्वेश्चन पूछा है मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली, तो होगी 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये अपना आंसर होगा रखना, ये अवसर्वे का होगा रखना। अपना इस क्वेश्चन का आंसर 20 से 20,000 हर्ट्ज होगा रखना। नेक्स्ट, चमगादड़ किस प्रकार की तरंगों की सहायता से अंधेरे में आसानी से उड़ सकता है? चमगादड़ कौन सी तरंगें छोड़ता है? तो गाल्टन सिटी और एक चमगादड़। चमगादड़ एक स्तनधारी है, एकमात्र ऐसा जीव जो परासरवी तरंगें छोड़ता है। लेकिन दोस्तों परासरवी या तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम कौन सा करें भाई? इंफ्रासोनिक करें, ऑडियोबल करें, अल्ट्रासोनिक करें या सुपरसोनिक करें? बताइए फटाफट से जवाब दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण वाला जो क्वेश्चन आया फोटोसिंथेसिस, वही हालत इसमें कर दिया ऑप्शन देकर। परासरवी सबको याद है लेकिन परासरवी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए दोस्तों इसका सही जवाब होगा अल्ट्रासोनिक। कौन सी? अल्ट्रासोनिक, इनको हम परासरवी बोलते हैं। परासरवी या अल्ट्रासोनिक तरंगें होती है जो कौन छोड़ता है? चमगादड़, बोले गाल्टन सिटी जो गाल्टन ने बनाई थी। अगला सवाल, सोनार पद्धति में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं? दोस्तों याद कीजिए, मैंने कहा था जो काम पानी में सोनार करता है वही काम हवा में रडार करता है, दोनों के अंदर परासरवी तरंगे काम मिली जाती है। बिल्कुल जिन बंदों का उत्तर परासरवी आ रहा है दबा के ठोक दीजिए एक बार सेशन को लाइक। बिल्कुल परासरवी तरंगे, चाहे सोनार हो चाहे रडार हो, परासरवी तरंगे ही काम मिली जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी खूब, कटिया रोग के उपचार में, रुधिर तरी रही ऑपरेशन में खूब सारे उपयोग इसके। नेक्स्ट, ध्वनि का संचरण किसमें सर्वाधिक वेग से होता है? आपको पूछा सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें चलता है? तो ध्वनि सबसे ज्यादा दोस्तों किसमें चलता है? ठोस में चलता है, और ठोस में भी नंबर 1 पे मैं बता दूं एल्युमिनियम, नंबर 2 पे आएगा निकिल, और नंबर 3 पे आएगा स्टील या इस्पात, स्टील या फिर इस्पात। अब आपके पास ऑप्शन में क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ज्यादातर ये ऑप्शन में बहुत कम आते हैं, तो हम किसको मान लेते हैं? स्टील या इस्पात को मान लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना है नॉलेज के लिए आपको ये रखना है, ठोस में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, उसके बाद निकल, और निकल के बाद स्टील या इस्पात नाम आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बात करें, निम्न में से किस ठोस में ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है? लीजिए मन की बात छीन ली भाई क्वेश्चन ने, जो क्वेश्चन का अभी मैं पीछे विवरण दे रहा था उस क्वेश्चन को आगे ठोक दिया है। आगे अभी देखिए ठोस में बताना है जिसमें ध्वनि सबसे ज्यादा चलती है, एल्युमिनियम आ गया ना, तो फट से आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यहाँ पर 1 नंबर पर, यहाँ पर 2 नंबर पर इस्पात कर सकते हो आप, इनमें ये तो बहुत नीचे जाएगी, तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम ही करना है आपको, ठीक है। एल्युमिनियम का निकल होता है, निकल ऑप्शन में नहीं है, तो फिर 3 नंबर वाले स्टील इस्पात को हम ऑप्शन कर सकते हैं। अगला देखिए, ध्वनि का वायु में वेग होता है, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है मेरे हिसाब से, सुबह से हम शाम तक पढ़ रहे हैं, 2 से 3 बार लगभग आ चुका है। 332 मीटर प्रति सेकंड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगें निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटित करती? ये क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है, तो समझ लीजिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आर्मी में कितना महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ध्वनि तरंगें प्रकाश की कौन सी घटना नहीं दर्शाती है? ध्रुवण नहीं दर्शाती है,
बाकी अपवर्तन अनुनाद व्यतिकरण ये सब जागना ध्वनि तरंगें दर्शाती है, कौन सी घटना नहीं दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और अवरोधक के मध्य कम से कम दूरी, पहली बार क्वेश्चन आया है, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2022 में आने की पूरी संभावना ऐसे क्वेश्चन की, तो इनको गौर से पढ़िएगा और गौर से याद करना है। चलिए, प्रतिध्वनि का मतलब होता है दोस्तों इको साउंड, टकराकर जो वापस सुनाई देता है, तो श्रोता और अवरोधक के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए बताइए, ऑप्शन के हिसाब से क्या लगता है, 30 मीटर, 27, 17 मीटर और 7 मीटर। बिल्कुल सभी दोस्तों ने दबा के, जिसको आंसर आता है वो दबा के उत्तर दे रहा है 17 मीटर, एग्जिट पूछ ले तो 17.2 मीटर भी होता है, 17.2 मीटर भी एग्जिट होता है तो 17.2 मीटर भी हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे, किसी आवाज की मोटी और पतली पहचान, ये दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, किसी आवाज की मोटी और पतली, मोटी और पतली की पहचान किससे की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना, मोटी और पतली की पहचान किससे होती है, उसकी तीव्रता, सॉरी उसके तारत्व से होती है, किससे होती है, तारत्व से, तारत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, पिच, ठीक है ना, तो तारत्व मोटी है पतली, जैसे महिलाओं की आवाज पतली होती है, बच्चों की आवाज पतली होती है, पुरुषों की आवाज मोटी होती है, तो ये तारत्व की वजह से होता है, किसकी वजह से, तारत्व की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला देखते सवाल, बिल्कुल जिन बंदों ने बिल्कुल जवाब दिया बहुत ही बढ़िया दिया है, अगला सवाल, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, बिल्कुल बहुत तगड़ा सवाल है, ध्वनि का तारत्व बिल्कुल किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व दोस्तों जिन बंदों ने आवृत्ति उत्तर दिया बिल्कुल सही है भाई, आवृत्ति अगर ज्यादा होगी, आवृत्ति जिसका ज्यादा होगा उसका तारत्व भी ज्यादा होगा, तारत्व भी क्या होगा ज्यादा, आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी कम होगा, तो महिलाओं का आवृत्ति और तारत्व दोनों ही ज्यादा होता है, इसलिए महिला बच्चों की आवाज तेज होती है, कई बार सुनते हैं ना मच्छर की भिनभिनाहट के बजाय शेर की दहाड़ आसानी से हम सुन लेते हैं, मच्छर कान के पास अगर बीबी करता है उसको हम ऐसे करके भगाते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व ज्यादा होता है बजाय शेर की दहाड़ के। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, सुनार का उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है, ये सबको मैंने सुबह भी बताया था, वायुयान, नौ संचालन, रेल संचालन, मिसाइल, नौ संचालन मतलब पनडुब्बी, समरीन कह सकते हो आप, पनडुब्बी या समरीन के अंदर किया जाता है नौ संचालन का उपयोग, तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट, आगे बात करते हैं अगले सवाल की, तो सोनार का डाकना प्रयोग नौ संचालन या पनडुब्बियों में किया जाता है, इसका करेक्ट जवाब होगा डी, दबाव अब टू एंड डायरेक्ट चल रही है, करो या मरो वाली स्थिति का अब लास्ट सेशन चल रहा है और इस सेशन को दमदार तरीके से करना है, अब ढीले नहीं रहना, फटाफट अंदाज में बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है बताइए, ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से या मुद्रा प्रचलन से, डॉपलर प्रभाव का मतलब होता है दोस्तों ध्वनि के उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, ध्वनि के उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, तो डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है, डॉपलर प्रभाव का संबंध होता है ध्वनि से, किससे होता है, ध्वनि से होता है, बिल्कुल दबा के एक बार सेशन को लाइक कीजिए और बिल्कुल दबा के एक बार सेशन को ठोक दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक्स होंगे दोस्तों उतनी ही ज्यादा हिम्मत जुड़ती है। बिल्कुल दबा के सेशन को लाइक कर दीजिए बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, पानी का जमाव बिंदु फारेनहाइट तापमापी में कितना होता है, तो सीधा भाई पानी का जमाव जो है, जमाव का मतलब है पानी जमता है, वो बिंदु दोस्तों होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नो जीरो में रख दीजिए, 5 - 32/9, तो ये होगा 5 - 160 = 0, 9 को 0 से गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दिया हमने, तो 5 = 160, तो दोस्तों एफ बराबर 160/5, 5 × 15 = 16, 5 × 2 = 10, 32 डिग्री फारेनहाइट अपना करेक्ट जवाब होगा, निकाल सकते हो, स्पीड होनी चाहिए, जिस प्रकार की मैं स्पीड रख रहा हूं आप भी स्पीड के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल दबा के एक बार उत्तर देते रहे, जिनकी स्पीड होगी वो बंदा रुकेगा नहीं भाई, आराम से कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही, बंदों को तो सीधा सीधा याद भी था, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आगे बात करें, किस तापमान पर फारेनहाइट तथा सेल्सियस तापमान भी समान होती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, कि ऐसा कौन सा पैमाना है जिसमें फारेनहाइट और सेंटीग्रेड या सेल्सियस एक ही होता है, दोनों बराबर होते हैं, दोस्तों ध्यान रखना वो ताप है -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री फारेनहाइट के बराबर ही होता है, आप जो मैंने फॉर्मूला बताया था पैमाने का, उस पैमाने में आप सेंटीग्रेड का मान -40 रख के देख लो, आपको फारेनहाइट का मान भी -40 ही प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, परम शून्य तापमान क्या होता है, परम शून्य का मतलब होता है एमपीटी, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, दोस्तों ध्यान रखना है परम शून्य ताप मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोस्तों ध्यान रखना मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, ताप का कम से कम न्यूनतम मान मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर वो कितना होता है, दबा के एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, सेशन को शेयर करते रहिए और दमदार तरीके से, दोस्तों इसका सही जवाब होगा 0 केल्विन, 0 केल्विन का मान सेंटीग्रेड में -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या होता है बराबर, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इस चीज को भी ध्यान रखना, नजरअंदाज नहीं करना है, 0 केल्विन -273 मतलब केल्विन का मान कम से कम 0 डिग्री होना चाहिए, मतलब केल्विन का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ये क्वेश्चन भी दमदार जानना, ऋणात्मक मान बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, केल्विन में कम से कम मान 0 होता है, इससे नीचे कोई ताप नहीं होता। अगला क्वेश्चन, केल्विन तापमान में पानी का वाष्प बिंदु कितना होता है, अब आपको केल्विन में आपको बताना है वाष्प बिंदु, वाष्प का मतलब है जिस पर पानी भाप बन जाता है, तो दोस्तों हमें तो सेंटीग्रेड में आता 100 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको पूछ किस में रहा है केल्विन में, तो 100 डिग्री को आप केल्विन में बदल दीजिए, दिक्कत का है, चलिए C/5 K - 273/5, 5 से 5 काट दीजिए, ठीक है, सी का मान रख दीजिए 100 - K - 273, तो के बराबर हो जाएगा 373 केल्विन और 373 केल्विन डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, जो स्पीड मैं दिखा रहा हूं वो स्पीड आप भी कर सकते हैं, अगर आपको लॉजिक और आपका मैथमेटिकल बिल्कुल मजबूत है तो दोस्तों निश्चित रहिए आप भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इन सवालों को, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस द्रव की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और ये सही एक बार मैंने पहले भी आपको ऑब्जेक्टिव सेशन की क्लास ली थी तो उसमें भी मैंने आपको करवाया था, बिल्कुल है विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो फटाफट आपको बताना है विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा, इस सवाल का उत्तर मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा क्या आप सही दे पाते हो क्या, बताइए निम्न में से किस द्रव की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, फटाफट से जवाब दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल दबा दिया आपके पास सेशन को, आर्मी लवर पुनीत सिंह, बिल्कुल विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा को, बिल्कुल दबा के बता दीजिए इसका उत्तर क्या रहने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल सभी दोस्तों का इंडियन आर्मी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आर्मी लवर वाटर बता रहे हैं कुछ बंदे ए कुछ बंदे बी, दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है पानी की, किसकी पानी की, ये चीज रखना है, ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवाया था आपको स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट आगे देखो, निम्न में से सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा का मान किसका होता है, फटाफट से बताइए सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा का मान किसका होता है, फटाफट से बताओ सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा पानी, अल्कोहल, बर्फ और पारा किसका होगा सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा का मान,
बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का उत्तर। पहली तो है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा तो किसकी होती है? पानी की, और सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा बताओ किसकी होगी? बताइए फटाफट से उत्तर। बाहर ही तुक्का, वाह भाई तुक्का मारे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आर्मी स्टडी बेस्ट, बिल्कुल भाई, थैंक यू दोस्त। शराब शराब बता रहे यार, शराब के पीछे मत पड़ो यार, बहुत बढ़िया। सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? शराब के पीछे मत पड़ो भाई, सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? फटाफट से बताइए, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? वाह भाई कमाल कर दिया आपकी बात, सबसे कम। चलिए मैं बताता हूँ, पारे की होगी, किसकी? पारे की। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, गलन की, और एक शायद मेरे सबसे आगे भी आएगा, बिल्कुल बाप की भी आएगा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, मतलब बर्फ को पिघलाने के लिए गुप्त ऊष्मा का मान कितना होना जरूरी है? फटाफट से बताइएगा दोस्तों, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। दोनों क्वेश्चन अपोजिट आएंगे, आगे भी आएगा और ये भी आ रहा है, बिल्कुल 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 दबा के बताइए, बिल्कुल पारा सही था उसका। रंजीत सिंह चांदावत बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होती है। नेक्स्ट अगला देखो, भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? भाप की गुप्त ऊष्मा मतलब जो वेपर होती है उसकी धारणा गुप्त ऊष्मा कितनी होगी? और इसका आंसर दोस्तों जो 540 देगा वो सही जवाब दे रहा है, बिल्कुल दबा के एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल जितना ज्यादा बिल्कुल लाइक होगा उतना ही ज्यादा दोस्तों आपको बेनिफिट भी होगा, क्योंकि दोस्तों आगे और भी 200 जज्बे के साथ क्लास एक के ऊपर एक आने वाली है। नेक्स्ट, बर्फ पर दाब बढ़ाने पर गलनांक अधिक होगा, गलनांक परिवर्तित नहीं होगा, गलनांक कम होगा या गैस बन जाता है? बताइए बर्फ पर दाब बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गलनांक अधिक होगा, गलनांक परिवर्तित नहीं होगा या गलनांक कम हो जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिए सवाल का, बिल्कुल दबा के एक बार सेशन को लाइक कर दे, बिल्कुल बहुत ही शानदार। चलिए, जब बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं तो क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब लगभग लगभग का उत्तर जा रहा है, कई कह रहे गलनांक सर बढ़ जाएगा, कई कह रहे सर गलनांक घट जाएगा, कई कह रहे सर गलनांक बदलेगा नहीं, गैस बन जाएगा। तो चार ही ऑप्शन है मेरे भाई, फिर सवाल का उत्तर क्या दोगे बताइए? देखिए बिल्कुल सभी दोस्तों का लगभग सही उत्तर जा रहा है, और जिन बंदों ने दिया गलनांक कम हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं वो। नेक्स्ट, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? दोस्तों ऊष्मा संचरण की तीन विधियां हैं, चालन, सेवन और विकिरण। तो आपको बताना है ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, सेवन, विकिरण, चालन या सभी से? फटाफट से उत्तर दीजिए इसका, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होगा? दबा के एक बार सेशन को लाइक जरूर करें, जो बंदे नए जुड़ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार दबा के उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल। रंजीत सिंह चांदावत क्या हो गया भाई, चलिए चलिए फटाफट फटाफट दीजिए उत्तर, इसका उत्तर होगा बिल्कुल ठोस वस्तुओं में चालन से होगा, और दोस्तों जानना सेवन जो होता है वो द्रव और गैस दोनों में होगा, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि से आता है, ऊष्मा संचरण की, विकिरण विधि से। सूर्य का प्रकाश और 16 अक्टूबर वाले पेपर में पूछा था, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे देखो, बिना माध्यम के ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, सेवन, चालन, विकिरण, सभी। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है कि ऐसी ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है, ऐसी ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आप मान के चलो सूर्य का प्रकाश जिस विधि से आता है उस विधि में ऊष्मा संचरण की उस विधि में कोई भी माध्यम जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना है, बिल्कुल। दोस्तों बिना माध्यम के ऊष्मा का संचरण किस विधि से होगा, विकिरण विधि से होगा। कौन सी विधि से? विकिरण विधि से, रेडिएशन से। चलिए नेक्स्ट, सूर्य की ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? देख लीजिए सवाल आ गया, सूर्य की ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो दोस्तों सूर्य की ऊष्मा का संचरण बिल्कुल अभी मैंने कहा था विकिरण विधि से होता है। कौन सी विधि से? विकिरण विधि से होता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगला देखो, रेल की पटरियों के मध्य खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है? आपने देखा होगा रेल की जो पटरियां होती है उनके बीच में खाली स्थान छोड़ते हैं, या फिर बिजली के जो पोल होते हैं खंभे उनके बीच तारों को ढीले कसे जाते हैं, उन सभी का दोस्तों एक ही कारण है, और वो है ऊष्मीय प्रसार के कारण। ऊष्मीय प्रसार का मतलब होता है ऊष्मा देने पर फैलना। तो दोस्तों देखना, सर्दियों में स्फूर्ति है तो पटरियां मुड़ सकती है, तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए उनके बीच गैप रखा जाता है। और दोस्तों ये भी देखना, अगर तार हमने ढीले नहीं कसे, टाइट कस दिए, तो गर्मियों में तो लटकेंगे और सर्दियों में सिकुड़ेंगे तो खींचकर टूट जाएंगे। ऊष्मा देने पर प्रसार होना ऊष्मीय प्रसार के कारण ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट, पानी का सर्वाधिक घनत्व, ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आ गया होगा। पानी का सर्वाधिक मतलब पानी का अधिकतम घनत्व, अब ऐसे सवाल को तो देखते ही ऊपर ठोक देते हैं भाई। पानी का सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ये आपको सबको पता क्या है, ये कंटिन्यू 3 से 4 बार आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला देखो, फ्रिज में रखी पानी का कांच की बोतल में पानी बर्फ बनने पर टूट क्यों जाती है? इस सवाल का जिक्र मैंने मॉर्निंग में बिल्कुल किया था कि जब पानी को हम बोतल में रखकर फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर बोल रहा है फ्रिज, तो जब वो जमती है तो फट क्यों जाती है? तो मैंने यही तो कहा था कि जब पानी से बर्फ बनेगा तो पानी का आयतन कम होता है, बर्फ का आयतन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बर्फ जमेगी तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर के साथ बोतल फट जाती है। तो दोस्तों देखना, आयतन वृद्धि के कारण ऐसा होता है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बंदूक का, तेज जवाब। आयतन में वृद्धि के कारण, घनत्व में वृद्धि नहीं, घनत्व तो तैरने में काम आता है, बर्फ का घनत्व तो एक्चुअल में कम होता है पानी से, इसलिए तो बर्फ तैरता है, और जिसका घनत्व कम होता है उसका आयतन ज्यादा होता है, आयतन बढ़ने से प्रसार होगा, उसकी वजह से वो बोतल फट जाती है, टूट जाती है। नेक्स्ट, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से दूसरी बार आ रहा है, तो रिपीट जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट भी है आगामी एग्जाम के लिए। द्रव्य की, द्रव्य का मतलब होता है दोस्तों पदार्थ, द्रव्य का मतलब कौन सा? पदार्थ। और पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम होता है दोस्तों प्लाज्मा। कौन सी अवस्था? प्लाज्मा। याद कीजिए मैंने कहा था विलियम क्रूक्स ने इसकी खोज की थी, सूर्य और तारों पर पाई जाने वाली अवस्था है कौन सी? प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। नेक्स्ट अगला देखो, परमाणु की खोज किसने की? परमाणु की खोज, एटम की खोज करने वाला कौन था भाई? जिसने प्रथम परमाणु वाद दिया था सिद्धांत, उसी ने दोस्तों परमाणु की खोज की थी, उसी ने परमाणु की क्या की थी? खोज की थी। दोस्तों वो साइंटिस्ट कौन था जिसने परमाणु को खोजा? बिल्कुल जॉन डाल्टन इसका सही जवाब होगा। गोल्डस्टीन ने दोस्तों किसकी खोज की थी? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। तो ये सभी धारणा है दोस्तों, सभी के खोजकर्ता मैंने बता दिया एक एक करके, तो एक एक करके आपको सभी के भी धारणा है, और इस सवाल का उत्तर होगा जॉन डाल्टन जिसने प्रथम परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आगे देखो प्रोटॉन की खोज किसने की? तो धारणा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन।
और जे जे थॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज। ये रखना, युवा इसका ऐसा कोई है नहीं इसमें अपने। तो गोल्ड स्टीन प्रोटोन की खोज करता, सैडविक न्यूट्रॉन की खोज करता, जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करता। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? ये तो सभी दोस्तों को पता होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? इसमें थोड़ा सा ये प्लस नहीं है, प्लस किसके माइनस कर लेना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 19 है जबकि माइनस 19 होता है। आपको पता होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश बराबर होता है। इस पर प्लस होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, और इस पर माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। दोनों पर आवेश बराबर होता है लेकिन आवेश एक दूसरे के विपरीत होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला, निम्न में से सबसे भारी कण कौन सा है? भाई भारी वही होगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा। और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वही सबसे भारी कणों में से एक कण होगा। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, फटाफट से दीजिएगा। सबसे भारी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी बराबर है? तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान जिसका होगा वही सबसे भारी होगा। और इसका सही जवाब जो बंदे न्यूट्रॉन दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कितना होता है? 1.675 × 10¹⁷ kg, जबकि प्रोटॉन का होता है 1.673 × 10¹⁷ kg और इसका होता है 9.1 × 10¹³ kg। तो कई बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन भारी होना चाहिए, इस पे तो -31 होती है पावर। तो दोस्तों जिसकी पावर माइनस में जितनी बड़ी होगी वो वैल्यू सबसे छोटी होती है, रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे भारी कण कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, परमाणु का पलम पुडिंग मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? बताइएगा, पलम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, नील्स बोर ने? बिल्कुल एक बार सेशन को दबाकर लाइक कर दें और बिल्कुल इस सवाल का उत्तर फटाफट अंदाज में आ जाना चाहिए कि पलम पुडिंग मॉडल, दोस्तों पलम पुडिंग मॉडल जिसको भारतीय के अनुसार तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, तरबूज मॉडल, तरबूज के जैसे स्ट्रक्चर, जब थ्योरी पढ़ाऊंगा बिल्कुल बताऊंगा तरबूज क्यों कहा जाता है, तरबूज मॉडल, पलम पुडिंग मॉडल, याद रखना, ये किसने प्रतिपादित किया था? फटाफट बताइएगा इसका उत्तर क्या रहने वाला है। देखते हैं क्या जवाब आता है सभी का, दबाकर एक बार सेशन को लाइक कर दे, बिल्कुल शेयर कर दे। चलिए बिल्कुल, जे जे थॉमसन जिन भाइयों ने उत्तर दिया है बिल्कुल सही है। डाल्टन ने दोस्तों प्रथम परमाणुवाद का सिद्धांत दिया, प्रथम परमाणुवाद सिद्धांत, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी इसने। रदरफोर्ड ने दोस्तों नाभिक की खोज की थी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग स्वर्ण पत्री प्रयोग के द्वारा, ये भी पता है आपको। नील्स बोर ने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की थी, ये सुबह भी बताया था, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की थी। स्थायित्व मतलब परमाणु स्टेबल है, ये बात नील्स बोर ने समझाई। और नील्स बोर ने ही सबसे पहले दोस्तों कक्षा के बारे में भी बताया था, ऑर्बिट के बारे में भी बताया था, सेल के बारे में भी बताया था। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? देखिए अलग से सवाल आ गया, बिल्कुल रदरफोर्ड से करना है क्योंकि मैं बार बार बताता रहा हूं, ठीक है। रदरफोर्ड इसका सही जवाब होगा जॉन डाल्टन, प्रथम परमाणुवाद, सबसे पहले परमाणु की खोज करने वाला, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने वाला, प्रोटॉन की खोज करने वाला। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था, खोज नहीं की थी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे देखो, वर्तमान में परमाणु की नाभिक में क्या पाया जाता है? भाई परमाणु का जो नाभिक है, मान लो दोस्तों ये कोई एटम है, इस एटम में ये नाभिक है और इस नाभिक में एक होता है पी और एक होता है एन, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर क्या लगाते हैं? चक्कर। आपको पूछ रहा परमाणु की नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल तीसरा जवाब सही होगा। इनको नाभिक कण कहा जाता है, नाभिक में पाए जाते हैं इसलिए इनको नाभिक कण, भाई न्यूक्लियस में पाए जाते हैं तो न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, नाभिक कण कहा जाता है इनको। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, 17Cl37 में क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? याद कीजिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि ये Z और ये A, Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, A का मतलब होता है P प्लस N। अब आपसे पूछा है प्रोटॉन की संख्या, तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक, Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, तो जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बिल्कुल दबा के उत्तर देख रहे हैं, बिल्कुल मैं आप देख पा रहा हूं, सभी दोस्त दबा के दे रहे हैं, इसका उत्तर 20 नहीं करना मेरे भाई। क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या, दोस्तों प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल 17। नेक्स्ट अगला देखो, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? फटाफट बताइएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? दोस्तों हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, कितने? तीन। तीन कौन से? 1H1, 1H2, 1H3। ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ये होता है ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, ध्यान रखना। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तीन। तो ये तीनों ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन भी दो से तीन बार आ चुका है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई आप देखते ही पता चल रहा होगा, क्यूरी। कौन सी क्यूरी? मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पीरे क्यूरी ने मिलकर रेडियम जैसे रेडियो की पदार्थ की खोज की थी, तो उनके सम्मान में इनका मात्र क्या रखा गया? क्यूरी रखा गया। चलिए अगला सवाल, सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? बिल्कुल ये भी आया था, इससे पहले सबसे भारी कौन सा? तो भारी तो अल्फा है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता वाली कौन होती है? दोस्तों बिल्कुल गामा। गामा के बाद में अगर कोई है तो एक्स-रे, याद रखना, गामा के बाद में अगर कोई आती है तो फिर वो आती है एक्स-रे, ठीक है ना? इसलिए हम जब हड्डियों का एक्स-रे करवाते हैं तो उसमें एक्स किरणें काम क्यों लेते हैं? गामा लेनी चाहिए ना भाई, भेदन क्षमता तो सबसे ज्यादा गामा की है, फिर एक्स-रे में एक्स किरणें ही काम क्यों ली जाती है? क्योंकि दोस्तों गामा की इतनी भेदन क्षमता है कि हमारी हड्डियों को भी चीर के पार निकल सकती है। भाई एक्स-रे हम क्यों कराते हैं? हड्डियों का चित्र देखने के लिए। अगर हमने गामा ले ली तो हड्डियों को पार कर जाएगी तो एक्स-रे तो बिल्कुल खाली आएगा, पता नहीं चलेगा, डॉक्टर तो कहेगा हड्डियां गायब होगी इसकी। तो इसलिए दोस्तों एक्स-रे काम में लिया जाता है, एक्स-रे अंगों को चीर सकता है लेकिन हड्डियों को चीर नहीं सकता, इसलिए हड्डियों पर टकराकर वो हड्डियों का केवल डायग्राम आ जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कार्बन डेटिंग में किस रेडियो एक्टिव का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रणाली काम में लेते हैं जिसको कार्बन डेटिंग प्रणाली के नाम से जाना जाता है और दोस्तों इसमें कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बन 14 का यूज किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। दोस्तों जो नए बंदे हैं एक बार दबा के जरूर लाइक करें भाई, लास्ट सेशन चल रहा है, इसके बाद हम दोस्तों ऐसी महामैराथन क्लास आगे तब देखेंगे जब जनवरी वालों का एग्जाम नजदीक होगा। तो मैराथन क्लास आपको बिल्कुल निश्चित रहिए, सभी को मिलेगी बराबर, लेकिन ये मैराथन सबके लिए काम किया, क्वेश्चन तो चेंज होने नहीं है, उत्तर चेंज होने नहीं है, इसलिए ध्यान रखें। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु निर्धारण में किस रेडियो एक्टिव तत्व का उपयोग किया जाता है? दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे पृथ्वी की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है,
तो और जीवाश्म की आयु का पता किससे किया जाता है, तो दोनों में फर्क होगा। पृथ्वी की आयु का पता दोस्तों धारणा कौन से रेडियोएक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम होता है। जीवाश्म की आयु पूछता तो वो धारणा कार्बन 14 होता है जीवाश्म। अगर जीवाश्म की आयु कोई खगोलीय पिंड या पृथ्वी की आयु याद करना तो यूरेनियम का यूज किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक को टीवी, ये टीवी है वही नहीं है, टीवी टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे काम में ली जाती है, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे। दोस्तों फटाफट बताइएगा, रेडियो तरंगे होगी वो कौन सी होगी। यहाँ पर देखो मैं एक ऑप्शन हटा देता हूँ, इस सूक्ष्म की जगह मैं एक ऑप्शन डाल देता हूँ अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें डाल देता हूँ क्योंकि इसमें वो ऑप्शन होना चाहिए था। इसको इंग्लिश में इंफ्रारेड भी कहा जाता है, इंफ्रारेड, ये चीज ध्यान रखना है, इंफ्रारेड, ये चीज रखिएगा। तो इसका बिल्कुल अब मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब दे देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, वो जेड जगह लक्ष्य क्या बात है, थकने का नाम बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आप हमारे साथ चल रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है भी। तथ्य वही है जो सिकंदर का मुकंदर नहीं बना, मुकंदर का सिकंदर नहीं बना सकते, बिल्कुल। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अवरक्त किरण। टीवी रिमोट में काम में ली जाती है वो तरंगे कौन सी होगी, अवरक्त किरण या इंफ्रारेड होती है। चलिए नेक्स्ट, रडार का आविष्कार किसने किया था, फटाफट से बताइए, रडार का आविष्कार किसने किया था। रडार की अब तक हमने बात की थी, रडार में कौन सी तरंगे काम में ली जाती है, रडार का आविष्कार किसने किया, ये आपको अब पूछा जा रहा है। रडार का आविष्कार धारणा किसने किया था, फटाफट से उत्तर दीजिए। मतलब शक्ति का मात्रक है, शक्ति कह सकते हैं। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट आगे, रॉकेट का ऊपर की ओर आगे बढ़ना किस सिद्धांत पर है, जैसे तैरते हैं तो आगे बढ़ना। रॉकेट ऊपर बढ़ता है तो हमने देखा प्रेशर के साथ धुआं नीचे छोड़ता है, क्रिया नीचे हुई और प्रतिक्रिया का हुई ऊपर, ये दोस्तों किस नियम पर काम करता है। तो तीसरा नियम तो ऑप्शन में है नहीं, तो सीधी सी बात है वो होगा संवेग संरक्षण। दोस्तों संवेग संरक्षण जो है गति के दूसरे और तीसरे नियम को जोड़कर बनाया गया है, ये बात रखना है। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तभी भी स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा उन्हीं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन कॉपी हो सकता है। तभी भी स्प्रिंग, मान लो स्प्रिंग है उसको हमने ऐसे दबा के रखा, छोड़ा नहीं है, तभी भी स्प्रिंग है उसमें बताइए कौन सी ऊर्जा निहित होती है, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा, उसके अंदर स्टोर है ऊर्जा, बताइए फटाफट से। तभी भी स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, बिल्कुल भाई स्थितिज ऊर्जा। मैंने क्या कहा था, ऊर्जा का जब भी क्वेश्चन आए गतिज और स्थितिज में से अगर दो को चुनना हो आपको इन दो में से, तो 99% उत्तर आपका स्थितिज ही आएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का कोई स्पेशल एग्जांपल नहीं है। गतिज ऊर्जा का एक एग्जांपल है दोस्तों, वो है आपके ध्यान रखना, वो एक ही एग्जांपल है, वो है प्रत्येक गतिशील पिंड में ऊर्जा। अगर कोई पिंड गतिशील है तो उसके अंदर बिल्कुल निहित होती है ऊर्जा, कौन सी, गतिज ऊर्जा। बाकी लगभग 99% में क्या होगी, स्थितिज, जैसे चापी वाला खिलौना, चाप खींचा हुआ धनुष, ठीक है ना, ये सब सारी ध्यान रखना। अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, बताइएगा सौर ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय और विद्युत ऊर्जा। फटाफट से कमेंट कीजिए कि सौर ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा सौर ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है, यांत्रिक, रासायनिक, विद्युत चुंबकीय या विद्युत ऊर्जा के रूप में। ये भी सवाल अलबेला है, अटपटा है, क्योंकि आज तक हमने सवाल के बारे में गौर नहीं किया ऐसे सवाल। बिल्कुल फटाफट रहा है उत्तर, देखिए बीसीडी क्या बात है राजेंद्र भुगलिया, बिल्कुल देखो सवाल में कंफ्यूज कंफ्यूज चलने लग गया, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, पढ़ते रहिए। सवाल का उत्तर क्या होगा, सौर ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक आती है, विद्युत चुंबकीय रूप में आती है, किस रूप में, विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रो मैग्नेट के रूप में आती है। रखना ये जो रासायनिक मत कर देना, रासायनिक को बैटरी वगैरह में होती है। अगर ये पूछता सौर ऊर्जा को हम किस रूप में संचित करते हैं, अगर ऐसे पूछता तो रासायनिक होता, किस रूप में आती है, तो इलेक्ट्रो मैग्नेट के रूप में आती है। ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है, उत्तम का मतलब होता है दोस्तों उच्च कोटि का, उच्च कोटि कह दो या उच्च श्रेणी का कोयला कह दो, तो ये सभी के सभी दोस्तों धारणा किस प्रकार का कोयला होगा, तो इसमें दोस्तों आपको बताना है। इसमें देखो ऑप्शन नहीं डाला, क्या बात है यार, उत्तम प्रकार का कोयला, ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, इसमें ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं है, ये टाइप में मिस्टेक है। मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बता दूं, सबसे उत्तम कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, जिसमें दोस्तों 90 से 98% तक क्या होता है, कार्बन होता है, 90 से 98% तक क्या होता है कार्बन। ये ऑप्शन थोड़ा सा डिलीट करना है, क्योंकि ऑप्शन किसी दूसरे क्वेश्चन के आगे, इसको चेंज करना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एलपीजी शब्द का विस्तार क्या है, एलपीजी का मतलब पूरा नाम बताना है आपको। एलपीजी का देखो दोस्तों सीधा सा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक तो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका एक्चुअल में नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्चुअल में नाम ये है इसका, रियल तो यही होगा, ठीक है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में आप कह सकते हो द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका एक्चुअल में नाम तो ये होना चाहिए था। ठीक है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका एक्चुअल में नाम यही होगा। अगला देखो, एलपीजी का मुख्य घटक क्या, ये क्वेश्चन भी बड़ा काम का है, एलपीजी को कुकिंग गैस, खाना पकाने वाली गैस कहते हैं। दोस्तों एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन, ये वाला, जिसमें ब्यूटेन होता है 80 से 85% के आसपास, बाकी प्रोपेन होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन इसका प्रमुख घटक है किसका, एलपीजी का। अगला देखो, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, किस ईंधन का ऊष्मीय मान, और उसी को दोस्तों भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। बताइए कोयला, ऑक्सीजन, मिट्टी का तेल या हाइड्रोजन, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है, फटाफट अंदाज में बताइएगा, ऊष्मीय मान उसी का सबसे ज्यादा होगा जिसको हम भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब होगा, मैं बता दूं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन, इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा है और पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन विधि से ऊर्जा प्राप्त होती है,
मतलब नाभिक के विखंडन अभिक्रिया से ऊर्जा किस रूप में हमें किस उसका हम यूज कहां करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन बम बिल्कुल नाभिक के सलिन ये तो नहीं होगा, परमाणु है सूर्य पर भी नाभिक के सलिन होता है ये भी नहीं होगा, यहां पर भी सूर्य नहीं होगा, परमाणु बम और परमाणु भट्टी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। नाभिक के विखंडन विधि से ऊर्जा प्राप्त होती है किसमें, परमाणु बम और परमाणु भट्टी के अंदर दोस्तों, ये रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला सवाल आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है फटाफट बताइएगा। आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। चलिए दोस्तों आवेश का मात्रक कूलम बिल्कुल आपको पता है, वाट किसका होता है शक्ति का मात्रक, वोल्ट होता है दोस्तों जानना, वोल्ट विभव का भी होता है, विभवांतर का भी होता है और विद्युत वाहक बल का भी होता है, ठीक है ये चीज रखना है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर बताइए विद्युत के उसमें प्रभाव, क्रॉम्पटन सिद्धांत, स्वप्रेरक या अन्योन्य प्रेरण, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, किस पर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किस प्रकार की धारा में किया जाता है, देखो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगा था, ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किस प्रकार की धारा में किया जाता है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट व प्रत्यावर्ती, न दिष्ट और न प्रत्यावर्ती। देखो दिष्ट का मतलब क्या होता है, दिष्ट का मतलब होता है डीसी, प्रत्यावर्ती का मतलब होता है एसी, तो ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग केवल और केवल एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है, केवल एसी प्रत्यावर्ती धारा में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा चालक कौन है, मतलब आपको अच्छा चालक चाहिए विद्युत का पूछे चाहे उष्मा का पूछे, दोनों का जवाब एक ही आना है, वो है चांदी। कौन आएगा, चांदी, नंबर एक पर चांदी, नंबर दो पर तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पढ़ते हो आप चांदी, उष्मा का भी सबसे अच्छा चालक पढ़ते हो आप चांदी, तो ये चीज रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला, 59 नंबर हमने कर लिया था, 60 नंबर पे बढ़ते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है, प्रतिरोध का मात्रक होता है महो, वोल्ट, ओम या एम्पियर, बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ये 3 से 4 बार क्वेश्चन आ गया, वो है ओम। चलिए घरों में उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं, अब आज तैयार हो रहा है, आज चलो खाऊ, क्रम में जुड़े जाते हैं तो दोस्तों वो है समांतर क्रम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, घरों में उपकरण किस क्रम में जुड़े जाते हैं तो वो है समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, बल्ब में किस धातु का तंतु लगा होता है, ये क्वेश्चन भी दूसरी तीसरी बार आ रहा है अभी, मतलब प्रकाश दे रहा है तो टंगस्टन का, अगर उष्मा देने वाले की बात करता तो नाइक्रोम का हो जाता है, ये रखना है। बल्ब में कौन सी धातु का होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। अगला देखो, बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है, देखो ये आ गया, या नाइट्रोजन नहीं दिखा तो ऑर्गन सही करना है, तो ऑर्गन तो एक्चुअल में होती है, विकल्प के रूप में आप बल्ब में नाइट्रोजन भी भर सकते हैं, ये चीज रखना है। नेक्स्ट, 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे एक माह में कितनी बिजली खर्च करेगा, ये सुबह आया था क्वेश्चन, फॉर्मूला बताया था मैंने, वाट क्षमता गुणा प्रतिदिन उपयोग, प्रतिदिन उपयोग और वो उपयोग दोस्तों घंटों में आएगा, बट्टे में 1000, बट्टे में क्या आएगा 1000। अब देखो वाट क्षमता कितनी है, 60 वाट, चलिए चलिए 60 गुणा प्रतिदिन उपयोग कितना है 10 घंटे बट्टा 1000, काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 6 में भाग लगा दीजिए किसका, 10 का, कितना आया 0.6। अब दोस्तों आप सोचोगे यार 0.6 तो यहाँ कहीं है नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो एक बार वापस चेक करते हैं 60 वाट का, ये मैं देखो थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, मुझे लगता है पूरा ये 600 वाट का होना चाहिए था, सॉरी यार 60 ले लेते हैं, चलो देखो 60 प्रतिदिन कितना ले रहा है 10 घंटे बट्टे में 1000, एक माह का निकालना है, इस फॉर्मूले से जो उत्तर आता है वो एक दिन का आता है, तो 60 × 10 = 1000 हो गया, ठीक है, इसको काटा तो 6/10 तो 0.6 यूनिट आया, ये एक दिन का है। अब एक माह का पूछ रहा है तो एक माह का मतलब 30 से गुणा कर दो आप, 0, 6, 3, 18 पॉइंट हटा दो, उत्तर क्या जाएगा 18 यूनिट आ जाएगा। एक माह का पूछा, मैंने देखा एक दिन का पूछा, एक दिन का 0.6 यूनिट दिख नहीं रहा, तो मैंने देखा हो सकता है गलत हो, नहीं एक माह का पूछा कोई दिक्कत, एक महीने में 30 दिन है गुणा 30 कर दीजिए तो एक माह का पूरा आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन भी तगड़ा है, ये तय नहीं है, किलोवाट घंटा, इसको ऐसे लिख सकते हो आप kWh, किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति का बिल्कुल आप कह सकते हो मात्रक होता है, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का भी मात्रक हो सकता है और विद्युत शक्ति का भी मात्रक हो सकता है। महो चालकता का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला, दृश्य प्रकाश में किस रंग की तरंग देरी न्यूनतम होती है, दोस्तों दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7, VP प्योर, आपको पूछा है तरंग देरी लैम्डा, लैम्डा मिनिमम पूछ रहा है आपको, लैम्डा जिसका कम होगा प्रकीर्णन उसका सबसे ज्यादा होगा, तो दोस्तों वो है बैंगनी, लैम्डा मिनिमम सीधा सा है, और इसका लैम्डा क्या होता है मैक्सिमम, इसलिए ये सबसे कम बिखरता है रंग, जिसका लैम्डा सबसे कम वो सबसे ज्यादा बिखरेगा, जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा वो सबसे कम बिखरेगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, न्यूनतम पूछा है तो बैंगनी उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा बैंगनी, ठीक है। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, डाटना पराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं हम, लहरगांव के एक राजा अहमद को परी दर्शन हुए, परी पै से बनता है पराबैंगनी और री से बनता है रीटर, तो रीटर इसका सही जवाब होगा, क्या होगा रीटर। बहुत बढ़िया भाई, शानदार, साथ साथ चलते रहे, हिम्मत मत हारिए, थोड़ा और समय है, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, थोड़ा बहुत और चाहिए, ज्यादा समय अब नहीं बचा है बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आगे। रेडियो तरंगों की खोज किसने की, रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी, किसने की थी, मार्कोनी ने। नेक्स्ट, निम्न में सर्वाधिक तरंग देरी है, लैम्डा मैक्सिमम, मैंने बताया लैम्डा जिसका मैक्सिमम होगा, प्रकीर्णन सबसे कम, दोस्तों तरंग देरी आपको पूछ रहा है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा दोस्तों होती है सो लास्ट में आती है रेडियो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे, तो इसकी भी एक पूरे की पूरी चार्ट बनता है, गामा की तरंग देरी रखना सबसे कम होगी, जैसे जैसे उधर जाते हैं तो सूक्ष्म तरंगे जिनको हम रेडियो तरंगे बोलते हैं, सॉरी माइक्रोवेव तरंगे, रेडियो तरंगे जो होती है उनकी सबसे ज्यादा तरंग देरी होती है।
नेक्स्ट अगला देखो, वस्तु द्वारा सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करने पर वस्तु किस रंग की दिखाई देगी। अगर कोई वस्तु सभी रंगों को क्या कर रही है, परावर्तन कर रही है, छोड़ रही है, तो दोस्तों अगर हमारी तरफ पूरे के पूरे रंग आ रहे हैं तो उसको ध्यान रखना वो वस्तु उसको सफेद दिखेगी, या हम श्वेत कह सकते हैं, सफेद या श्वेत नजर आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, प्राथमिक रंग कौन कौन सी है, सवाल दूसरी बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आर्मी में रिपीट हो रखा है, आर्मी में रिपीट हो रखा है, याद रखना, और वो है आरबीजी, राहुल बीजी, रेखा बीजी, याद कीजिए, लाल नीला हरा, लाल नीला हरा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। टू एंड डाई रेट चल रही है, करो या मरो वाली रेट चल रही है, देखते हैं इसमें कौन बाजी मारता है और कौन बाजी को वापस खींच लेता है और कौन दोस्तों हाथ ऊपर करता है, देखते हैं कितनी हिम्मत है। थोड़ा सा और डटिए, अपवर्तन की अवस्था में निम्न में से कौन नहीं बदलता, अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से होता है, तो कौन सा इनमें से प्रकाश का कोण नहीं बदलता, बिल्कुल आवर्ती नो चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बाकी सब भौतिक राशियां बदल जाती है। नेक्स्ट, पानी में रखा सिक्का किस परिघटना के कारण ऊपर उठा हुआ दिखता है, पानी के तल से ऊपर उठा हुआ दिखना, टेढ़ा मेढ़ा दिखना, नींबू का बड़ा दिखना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, और कितना एग्जांपल हो गए भाई, आगे उस पार झिलमिलाते हुए नजर आना, ये सारे के सारे एग्जांपल दोस्तों किसका होगा, अपवर्तन का। बहुत बार क्वेश्चन आता है अपवर्तन, मैंने आपको जब प्रकाश पढ़ाता हूं तो एक ही बात कहता हूं, अगर एग्जांपल रखते हैं तो अपवर्तन की रटो, बाकी एक तो सब दुनिया जानती है, हीरे का चमकना पूरा आंतरिक परावर्तन दुनिया जानती है, रेगिस्तान में मर्ग मरीची का। चलिए नेक्स्ट, गाड़ियों में लगा साइड ग्लास, ये क्वेश्चन भी दो से तीन बार आ चुका, साइड ग्लास का मतलब साइड वाला, पीछे से जो गाड़ी आती है ओवरटेक करते वक्त ड्राइवर उसकी हेल्प लेता है, दोस्तों उत्तल दर्पण, कौन सा उत्तल दर्पण होता है, जिसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला, कैमरे में किसका प्रयोग किया जाता है, दोस्तों कैमरे में आप दर्पण मत कर देना, कई बंदे करते हैं कि यार दर्पण करूंगे लेंस, आपको एग्जाम में तो दर्पण देगा, लेकिन सोचो दर्पण वो होता है जिसके एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश करने के बाद देखोगे क्या, कैमरे का काम होता है आर पार दिखेगा तो सामने वाले की फोटो लेगा, नहीं खुद लेगा वो, तो दर्पण कभी भी लेंस इसमें कैमरे में नहीं आता, कैमरे में लेंस आता है, और लेंस में मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं यही कहता हूं 90% जो लेंस होता है वो उत्तल होता है, कौन सा लेंस उत्तल, अब कई बंदों ने उत्तल रख लिया, ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्या करोगे, इसलिए याद रखिए उत्तल लेंस, दर्पण में अगर उत्तल कहता तो अपसारी होता है, लेकिन लेंस में उल्टा होता है, उत्तल अभिसारी होता है, लेंस में कौन सा होगा, अभिसारी लेंस। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक, दो बार आ चुका है ये भी, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, क्या होता है डायोप्टर, जिसको डी से लिखा जाता है। नेक्स्ट, हीरे का क्रांति कोण कितना होता है, हीरे का क्रांति कोण सबको पता है 24 डिग्री, और हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, हीरे का क्रांति कोण कितना होता है 24 डिग्री, क्रांति कोण वह विशेष आपतन कोण होता है जिस पर अपवर्तित किरण 90 डिग्री से या पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर गुजर जाती है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पे, मृग मरीचिका देख लिए, मन की बात छीन लिए, मृग मरीचिका रेगिस्तान में, मृग का मतलब हिरण, हिरण को पानी का आवास होना, ये हमारे साथ भी सड़क पर होता है गर्मियों में, उसको सड़क मरीचिका बोलते हैं। दोस्तों आपको अचंभा होगा, मृग मरीचिका को इंग्लिश में मिराज कहते हैं, ये मिराज वो नहीं है तृप्ति का नया एहसास वाली, ये मिराज दोस्तों दूसरी है, ये मिराज इस घटना को बोला जाता है और इसका उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, इंद्रधनुष दो ही बढ़ते हैं, प्राथमिक द्वितीयक, प्राथमिक चमकीला होता है क्योंकि सूर्य, ऊपर का मतलब क्या है, सूर्य की तरफ लाल रंग होता है इसलिए वो चमकता ज्यादा है। नेक्स्ट अगला सवाल, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब सबसे कम बिखरने वाला, अभी जस्ट पता क्या है, दिमाग हो तो कैच कर लीजिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है दोस्तों लाल, इसीलिए खतरे के निशान लाल के बनाए जाते हैं, और अगर मान लो हम किसी शादी फंक्शन पार्टी में जाते हैं तो अगर मान लो कोई भाभी जी अगर लाल साड़ी पहन के आती है तो दोस्तों वो दूर से नजर आती है, तो सबकी निगाहें उसके ऊपर टिकी रहती है, कई महिलाएं लिपस्टिक ज्यादातर लाल क्यों लगाती है, क्योंकि लाल दूसरे को प्रभावित करती है, बिखरती नहीं है लाल रंग, बिखरता नहीं है तो वो आकर्षित ज्यादा लगता है, तो चलिए दोस्तों लाल, लेकिन ये भी देखना खतरा होता है लाल, तो लाल से थोड़ा बच के भी रहना है। नेक्स्ट अगला सवाल, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, रोमर ने ज्ञात किया था, किसने, रोमर ने, रोमर ने बताया कि प्रकाश सबसे ज्यादा निर्वात में चलता है। नेक्स्ट, कौन आंतरिक परावर्तन कब होगा, सब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है, सघन से विरल ऑप्शन नहीं है, तो चुनना पड़ेगा आपको सघन, देखिए ये सघन है लेकिन ये भी सघन है, तो ये तो सघन से सघन हो गया, जल से कांच में, जल से कांच में, मतलब ये भी दोस्तों कैसे हम इसको होल्ड करेंगे, ये विरल से सघन, ये विरल से सघन, तो दोस्तों ये हम बात करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हो, ये विरल, ये विरल, ये होगा सघन और ये सघन, और दोस्तों ये वाला जो होगा ये विरल या सघन, जल से कांच में जाने पर हो जाएगा। भाई पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हम सुबह से 10 बजे से चल रही है क्लास नॉन स्टॉप, पढ़िए भाई, कुछ भी नहीं रखा है सोना बाबू, चार दिन की चांदनी पे अंधेरी रात, याद रखना ये चार दिन सोना बाबू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चार दिन के बाद यही रंगीन रात नहीं काली रात लगती है, ठीक है, फटाफट से मैं एंडिंग दौर पर चल रहा हूँ, इसके बाद अलविदा लेते हैं आज की क्लास में, अभी बीजू सर आपको टाइम टेबल वगैरह बताएंगे, कल की स्ट्रेटजी वगैरह वो सब बताएंगे, मैं 90 का स्कोर करता हूँ, इसमें बढ़ के आगे दाढ़ी बनाने में काम में लेते हैं, और दाढ़ी बनाने वाला कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होता है, पीले रंग का पूरक रंग दोस्तों नीला होता है, कौन सा, नीला होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, यार इसमें मात्रक पूछा है लेकिन इसका ऑप्शन सही सेट नहीं किया, चलिए इस क्वेश्चन को डिलीट मारना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन सही नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र ये सही नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछना था इसको, और उसका मात्रक होता गॉस, क्या होता गॉस होता। नेक्स्ट देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया, ये फैराडे ने दिया था, किसने, फैराडे ने। नेक्स्ट, डायनेमो का क्या कार्य है, डायनेमो का कार्य बिल्कुल यहां पर सही आ रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो का मतलब जनरेटर या विद्युत जनित्र कहा जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दोस्तों माइक्रोफोन कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस, EMI, शॉर्ट में बोलते हैं EMI, इस पे काम करता है, ये भी क्वेश्चन बड़ा काम का, आगामी एग्जाम के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट, स्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं, दोस्तों स्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें उत्तर आएगा इस्पात, अगर अस्थाई चुंबक पूछता, अस्थाई चुंबक तो हम क्या करते हैं, नरम लोहे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूं, अस्थाई चुंबक, ये लो आ गया, अस्थाई चुंबक का क्या हो जाएगा, नरम लोहे का, अस्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं, नरम लोहे के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय होता है, फटाफट से बताइए प्रतिचुंबकीय, ये तीनों आएंगे लगातार, हाँ, तो प्रतिचुंबकीय कौन होगा, फटाफट से बताइएगा, एक होता है अनुचुंबकीय, लोहे चुंबकीय, और एक होता है प्रतिचुंबकीय, तो कोबाल्ट, लोहा, ये दोनों तो किसमें आते हैं भाई, ये तो लोहे चुंबकीय में आते हैं, किसमें आते हैं भाई, लोहे चुंबकीय, विस्मित आता है आपके अनुचुंबकीय में, सॉरी एक सेकंड, प्रतिचुंबकीय में आता है ये, और ये आता है आपके अनुचुंबकीय में, तो प्रतिचुंबकीय में कौन आ जाएगा, विस्मित आ जाएगा, क्या हेलो, बिल्कुल।